एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी ये मॉर्निंग का मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ये मैं साथ में दोपहर का खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। और KBS का जब मैंने फॉर्म भर लिया है तो मुझे उसको क्लियर करना ही है, क्वालिफाई करना ही है। तो किस तरीके से करना है तो उसके लिए मैंने एक टाइम टेबल तैयार किया है, बहुत ही अच्छा है, जो सभी हाउसवाइफ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, चाहे वो जिनके पास एक बच्चे हैं चाहे दो बच्चे हैं, सबके लिए ही ये बहुत सुटेबल टाइम है। और बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि मेरे पास दो बच्चे हैं, मैं टाइम नहीं निकाल पाती, मैं किस तरीके से टाइम मैनेज करूँ, घर का काम करूँ या अपना स्टडी करूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक नया टाइम टेबल बनाया है, वो सभी हाउसवाइफ के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, अगर आप ट्राई करके देखिएगा। तो मैंने अभी मॉर्निंग का ये चाय बना रही हूँ और आपको मैंने बताया कि साथ में मैं दोपहर का खाना भी बना रही हूँ। और यहाँ मैंने चिल्ला बनाया था, ये बेसन का चिल्ला बना दिया था। और अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब मैं यहाँ पे अपने बाबू को दवाई पिला रही हूँ क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, मैंने आपको पहले बताया है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो आपने मेरी देखी है तो आपको पता ही होगा मेरी बेटी की तबीयत एक महीने से ऊपर है, ख़राब चल रही है। तो मैं घर का काम और टाइम और बच्चे को कैसे मैनेज करती हूँ और साथ में पढ़ाई कैसे कर रही हूँ। आपको पता है KVS का जो फॉर्म फिलअप किया है उसका एग्ज़ाम सीटेट से हटकर है, और मतलब उसका लेवल काफ़ी हाई है। सीटेट का थोड़ा सा इजी भी होता है, बट KVS का काफ़ी DSS या सुपर टेट इसका लेवल थोड़ा हाई होता है, तो उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई करनी होती है। तो अभी यहाँ मैं बाबू को दवाई पिला रही हूँ और अभी KVS का जो हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है तो उसका भी एग्ज़ाम कम से कम 2 से 3 मंथ्स के बाद ही होगा, क्योंकि अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। तो उसके लिए अभी लगभग हमारे पास 90 डेज़ है, तो 90 डेज़ की स्ट्रेटजी हमें किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से पढ़ाई करना है। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप भी टाइम निकाल पाएंगे, आप डीमोटिवेट मत होइए। मेरी एक व्यूअर है जो मेरे को इन्होंने मैसेज किया था, उनका मेरे पास कमेंट आया था कि उनके पास दो बच्चे हैं और वो जब पढ़ने बैठती हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती हैं, वो बच्चों के साथ नहीं पढ़ पा रही हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही हैं, तो वो डीमोटिवेट हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं आप डीमोटिवेट मत होइए, मेरे पास भी दो बच्चे हैं और छोटा बच्चा है, उसकी तबीयत भी ख़राब है और मुझे ही घर को संभालना है। मेरे घर में टोटल 5 मेंबर हैं जिनको मैं अकेले संभालती हूँ और घर का काम भी कर रही हूँ। मेरी बेटी है, उसको स्कूल भी छोड़ना लाना काफ़ी काम हो जाता है, फिर भी मैंने अब टाइम ऐसा मैनेज कर लिया है कि ताकि मैं दिन में 6 घंटे तो मैं अपने स्टडी के लिए निकाल ही लेती हूँ। तो आप मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहें और आप डीमोटिवेट ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अगर आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह बना रहे हैं तो साथ में ही आप दोपहर का सब्जी वगैरह बना के रख लें, ताकि अगर आपके पास दोपहर का टाइम भी हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो मैं मॉर्निंग सबसे पहले क्या करती हूँ, अगर मैंने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाया, साथ में ही मैं दोपहर के लिए सब्जी बना कर रख लेती हूँ और मॉर्निंग में ही मैंने आटा गूंद कर रख लिया। और अगर आपके पास फ्रिज वगैरह है तो आप आटा गूंद कर रखिए, अदरवाइज़ आटा गूंदने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने घर का काम करके, बच्चों को स्कूल भेज के, हस्बैंड को ऑफिस भेज के, मेरे पास 10 से 10:30 बजे तक का टाइम मैं फ्री हो जाती हूँ। तो मेरे पास 11 से 12:30 तक का टाइम होता है जिसमें मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, फिर 12:30 बजे के बाद अपना घर का काम जैसे स्टार्ट दोबारा हो गया, तो क्योंकि दोपहर का लंच करना है तो दोपहर को मैंने अपना चावल वगैरह या चावल आटा गूंद के रोटी वगैरह बना लिया। उसके बाद हम लोगों ने लंच 2 से 2:30 के बीच में हमारा लंच हो गया, 3 बजे तक हम हद से हद फ्री हो जाएंगे। 3 से 5 का टाइम आपके पास फिर से होता है, फिर से आप 2 घंटे स्टडी कर सकते हैं, फिर आपका 5 से टाइम स्टार्ट हो जाता है, अपना चाय शाम का नाश्ता वगैरह हो गया, आपने वो कर लिया, बच्चों को अपना पढ़ा लिया, बच्चों को भी आप टाइम दे सकेंगे, आपने बच्चों को भी टाइम दे दिया, फिर आपने रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा आप खाना बना के 10:30-11 बजे तक फ्री हो जाएंगे।
वैसे मैं 10:30 या 10 तक मेरा काम हो जाता है, फिर आपके पास 10 से लेके 1 बजे का टाइम है जिसके अंदर आपके पास 3 आवर्स होता है पढ़ने के लिए। आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि दिन में अगर जैसे अगर बच्चे घर में होते हैं तो काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं, आपको पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और बच्चों के साथ कैसे पढ़ाई करें इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है। आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से बच्चों के साथ स्टडी मैनेज करना, किस तरीके से पढ़ाई करना है, वो भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग में 10 से 12 और आफ्टरनून में 3 से 5 और नाइट में 10 से 1, इतना आपके पास टाइम है। लगभग आपके पास 7 आवर्स निकल जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर आप 7 आवर्स भी नहीं निकाल सकते तो आप 6 आवर्स तक भी, 6 घंटे तक भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। 6 घंटे में भी आप काफ़ी पढ़ सकते हैं। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है तो आज काफ़ी लेट हो गया खाने वाने में, तो आप देखिए मेरी बेटी खाना बना रही है। पकौड़ी बना रही हो? इसे पकौड़ी बोलते हैं? खाना बना रही हो क्या? किसके लिए? क्यारा तो आप ही हो, आप ही खाओगे, हमको नहीं खिलाओगी? बच्चों के साथ पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, मैं जानती हूँ। तो आप लोग कभी परेशान मत होइएगा। अगर आप डीमोटिवेट भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसे बना के रखें ताकि आप जैसे भी आप डीमोटिवेट हो तो आप उस लक्ष्य को देखकर, अगर आप अपने लक्ष्य बना रखा है कि मुझे पास होना है तो आप पास हो जाएंगे, जिस तरीके से आपने सीटेट क्लियर किया है। क्योंकि विदाउट सीटेट क्लियर करें तो KVS का फॉर्म आपने भरा नहीं होगा। तो आप टेंशन मत लो, आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। अभी आपके पास लगभग 90 डेज है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। क्या कर रही हो? पकौड़ी बना रही हो? इसे पकौड़ी बोलते हैं? खाना बना रही हो क्या? किसके लिए? क्यारा तो आप ही हो, आप ही खाओगे, हमको नहीं खिलाओगी?
छोटी सी।